नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो आपके हमारे सबके जीवन की सच्चाई है। तो अंत तक सुनिएगा। दुखदाई बुढ़ापा, जीवन की एक कड़वी सच्चाई जिससे हम सभी को गुजरना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम बाबूराम है, वह आगरा शहर के निवासी हैं और वह मिलिट्री के रिटायर हो चुके थे। उनके पद के बारे में मुझे ठीक से पता नहीं, पर यह मालूम था कि वह मिलिट्री में किसी अच्छी पोस्ट पर ही रिटायर हैं। वह अपनी पत्नी शांति जी के साथ आगरा में रहते हैं। उनकी 5 बेटियां हैं और सभी की शादी हो चुकी है। सभी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। उनकी 2 बड़ी बेटियों का ससुराल आगरा शहर में ही है। बाबूराम जी के यहाँ उनका आना जाना होता रहता है। बाकी 3 बेटियों की ससुराल आगरा से बाहर है और उनका अपने मायके में आना साल में 1-2 बार ही होता है। सभी लोग अपनी जिंदगी में अपनी अपनी जगह खुशी से रहते हैं। बाबूराम जी और उनकी पत्नी शांति अपना जीवन यापन बाबूराम जी की पेंशन से ही करते हैं और अपनी पेंशन से वह बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। उन लोगों को किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ नहीं है। दोनों ही पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ से अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं कि वक्त के आगे किसका जोर चला है। बाबूराम जी की पत्नी शांति जी का रात को सोते सोते ही स्वर्गवास हो जाता है और बाबू राम जी के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट जाता है। इस बुढ़ापे में वह बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं। शांति जी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को बाबू राम जी की चिंता सताने लगती है कि वे इस संसार में अब वह अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनकी दवा दारू और उनका ध्यान कौन रखेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी रीमा यह निष्कर्ष निकालती है कि उनके रहने का एक पक्का इंतजाम कर दिया जाए, उनके घर पर एक काम करने वाली बाई रख दी जाए जो कि उनका, उनके घर का और उनके खाने पीने जैसी सभी बातों का ध्यान रखेगी। सभी लोगों को उसकी बहन की बात ठीक लगती है। 2-4 दिनों के अंदर ही काम करने वाली बाई का इंतजाम हो जाता है। काफी दिन बीत जाने के बाद सभी बेटियां अपने अपने घर वापस चली जाती हैं। आखिर वह अभी कब तक रुक पाती। सभी की अपनी अपनी घर गृहस्थी है। उनके ससुराल जाने के बाद अब बाबूराम जी अपने घर में बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। उनसे बात करने वाला और उनके सुख दुख सुनने वाला अब उनके पास कोई नहीं था। बाई भी अपना काम करती और अपने में मस्त रहती थी। वैसे भी उसे उनके खाने पीने आदि का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, ना कि उनके सुख दुख बांटने के लिए। शांति जी के जाने के बाद शुरू शुरू में तो दोस्त और रिश्तेदार मिलने आते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति उनके पास अपना समय खराब करने नहीं आता था। बाबूराम जी भी अपनी इस परिस्थिति से ऊब गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। शांति जी के जाने का इन्हें इतना सदमा था कि वह भी किसी से बात नहीं करते थे, ना ही किसी के पास जाते थे। बस कभी कभार किसी का फोन आ जाता तो फोन पर उनकी बात हो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बाहर से उन्हें देखने पर यह महसूस होता था कि वह अपनी दुनिया में खुश हैं। यह बात अलग है कि शांति जी का उन्हें दुख है, पर हकीकत उसके विपरीत थी। बाबूराम जी की तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत खराब रहने लगी थी। इतनी खराब कि उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनके पास बात करने वाला, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। इस बात से वह मन ही मन और कमजोर होते जा रहे थे।
बाबूजी की बेटियों को उनके बीमार होने की खबर मिलते ही पांचों बेटियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। बीमार पिताजी को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह सब क्या करें, उनका ख्याल कैसे रखें। सभी को अपनी अपनी गृहस्थी थी, कोई भी हमेशा के लिए उनके पास नहीं रह सकता था, पर कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद सब इस नतीजे पर पहुँचे कि अब से पापा हर किसी के घर दो दो महीने के लिए उनके साथ रहेंगे। बाबू राम जी के इस घर को बेच दिया जाए, इससे उनकी देखभाल हो जाएगी। उनके इस फैसले में उन सभी के बेटियों के पतियों ने भी अपनी अपनी सहमति दी। सभी ने यही कहा कि पापा की भलाई इसी में है कि वह हम सबके साथ रहें, वह खुश रहेंगे तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात बाबूजी को बताई गई। इस बात को सुनकर उन्हें थोड़ा दुख लगा, क्योंकि उस घर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उन्होंने उस घर में अपने जीवन में सभी अच्छे बुरे दिन देखे थे, इसलिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर सबकी सहमति से लिए गए फैसलों को मानने के अलावा उनके पास दूसरा कोई और चारा भी तो नहीं था। उन्होंने बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है, कम से कम मुझसे बात करने वाला कोई तो होगा। बाबू राम जी का अपना बरसों पुराना घर, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काट दी थी, उसे आनन फानन में बेच दिया गया। उनकी सहमति ली गई, पर बहुत ही बेमन से उन्होंने अपने उस घर को बेचने की सहमति दे दी। उस घर को बेचने के बाद बाबू राम जी की सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वहाँ जाने को राजी हो गए थे। बाबू राम जी भी उसके साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए थे। हालांकि अपने घर को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। रीमा के घर दो महीने गुजारने के बाद वह उससे छोटी बेटी के घर जाने वाले थे। इस प्रकार वह हर बेटी के घर दो दो महीने के लिए रहने वाले थे। बाकी बचे दो महीने वह अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ बिताने वाले थे, क्योंकि साल तो 12 महीने का होता है। कोई भी उन्हें दो महीने से ज़्यादा रखने के लिए राजी नहीं था। बाबू राम जी खुशी खुशी रीमा के साथ मथुरा रहने के लिए चले गए। वहाँ पहुँच कर रीमा के बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से उनका स्वागत किया। उसके बच्चों ने भी नाना जी कहकर उनके आने की खुशी जाहिर की। बाबू राम जी उनके इस तरह से किए गए अपनेपन और प्यार को पाकर बहुत खुश हो गए थे। वह मन ही मन सोचने लगे थे कि अकेले पड़े रहकर जीवन काटने से तो यहाँ सबके साथ रहना अच्छा है। रीमा ने बाबू राम जी को रहने के लिए घर में एक अलग से कमरा दिया। उनकी जरूरत की सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके कमरे को उनके हिसाब से व्यवस्थित कर दिया। कमरे में ही अटैच बाथरूम था, जिससे उनको कोई भी तकलीफ ना हो। बाबू राम जी भी उसकी की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन रीमा और उसके परिवार को बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने मन में सोचा कि चलो कम से कम आज भी इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को ज़रूरत है, उसे भी प्यार करने वाला ध्यान रखने वाला कोई है। बाबू राम जी का मन रीमा के घर में उसके और परिवार के सभी लोगों के द्वारा दिए गए प्रेम और अपनेपन से लगने लगा। उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा था। बाबू राम जी के नाती पोते भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। सबके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सभी कामों में उनका सहयोग करना, इन सभी बातों से वह बहुत खुश रहने लगे थे। उनकी दूसरी बेटी का भी फोन आता रहता था। वह सभी से रीमा के घर अपने खुश रहने की बात करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब तक बाबू राम जी को रीमा के घर रहते हुए एक महीना गुजर चला था, परंतु अब बाबू राम जी का मन रीमा के घर पर भी नहीं लग रहा था।
बाबूराम जी मन ही मन अपने घर, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार और सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी शांति को याद किया करते थे। वह किसी से कुछ कहते नहीं थे, पर मन ही मन वहाँ पर घुटन महसूस करने लगे थे, क्योंकि अब रीमा और उसके बच्चे बाबूराम से वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वह बाबूराम जी के घर आने पर शुरू में किया करते थे। रीमा के पति बाबूराम जी की इज्जत नहीं करते थे। एक दिन जब बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे पूजा पाठ कर रहे थे, तभी रीमा उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास ही बैठ गई और उनके पूजा पाठ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। उसे देखकर बाबूराम जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कहां से इसे मेरी याद आ गई। वह सोचने लगे कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया, क्योंकि बाबूराम जी के बहुत बुलाने पर भी वह उनके पास नहीं आती थी। ज़्यादातर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा कि ज़रूर इसे मुझसे कोई काम है। बाबूराम जी ने अपना पूजा पाठ समाप्त कर दिया और रीमा से कमरे में आने का कारण पूछा। रीमा कई तरह की मीठी मीठी बातें करने लगी, पर बाबूराम जी ने उसे टोकते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आने को कहा, क्योंकि वह उसकी बात से समझ रहे थे कि यह कुछ कहना चाहती है। रीमा ने भी बाबूराम जी से कहते ही बिना समय गंवाए बात को कहना शुरू कर दिया। रीमा ने कहा, उसके पति कह रहे थे कि आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि यह कमरा किराए पर देना चाहते हैं, जिससे घर में थोड़ी ज़्यादा आमदनी होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का खर्चा भी बढ़ गया है। रीमा के ऐसा कहते ही बाबूराम जी के दिल को जोरों से धक्का लगा, क्योंकि बाबूराम जी अच्छे से जानते थे कि उनके उस घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाए। वह चुपचाप बैठे रीमा की सारे बातें सुनते रहे। रीमा ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी। बाबूराम जी का दिमाग तो सुन्न अवस्था में चला गया था। बाबूराम जी ने थोड़ी देर तक अपने मन में कुछ सोच विचार करके रीमा से सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा जिसमें उन्हें रखा गया था। उन्होंने वह समझ लिया था कि वह उस कमरे में रहने का किराया लेना चाहती है। रीमा ने भी एक ही झटके में कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का भी सारा पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। बाबूराम जी बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर अपनी आंखों को नम किए जा रहे। उन्हें अपनी आंखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी उनसे यह सब बोल सकती है। वह बैठे हुए सोचने लगे कि वह सब प्यार, वह अपनापन, मान सम्मान सब इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए दिखाया गया था। वह सोचने लगे कि रीमा अगर मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे नहीं देता। आखिर वह मेरी बेटी है, वैसे भी माँ बाप मरते दम तक बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, तो मैं क्या रख लेता। मैं तो उसके साथ दुगना व्यवहार करता और इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांग कर उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे अपने साथ लाई थी। यह सब बातें उनके दिमाग में बार बार चल रही थी। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। यह सब सोचते सोचते वह जोर जोर से रोने लगे। जैसे तैसे आज बाबूराम जी को रीमा के घर में रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। बाबूराम जी का मन अब तक रीमा की तरफ से पूरी तरह से बुझ गया था। वह जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे। उन्हें इस घर में 2 महीने से किसी न किसी बहाने अच्छी तरह से लूटा गया था। सभी कुछ मंगवा कर, तो कभी कुछ दुखड़ा होकर, तो कभी बच्चों के नाम पर बाबूराम जी को इस घर में पूरी तरह से पैसे निकालने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था।
बाबूराम जी को अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख इस बात का था कि इस घर में उन्हें रीमा के पिता की हैसियत से नहीं बल्कि किसी किराएदार की तरह से ही रखा गया था। घर में उनका इतना दम घुटने लगा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी मंजू को वहां से ले जाने के लिए कहा। बाबूराम जी के फ़ोन करते ही मंजू और उसके पति रमेश उन्हें लेने के लिए रीमा के घर पहुंच जाते हैं। वैसे भी अब बाबूराम जी को रीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे। अब नंबर के हिसाब से उन्हें रखने की बारी मंजू की थी। बाबूराम जी भी मंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे, सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस घुटन भरी ज़िंदगी से तो छुटकारा मिले। वहाँ पर रहूँगा तो कभी कभार किसी न किसी दोस्त या रिश्तेदार से तो मिलना होगा, क्योंकि मंजू आगरा में ही रहती थी। मंजू बड़े ही प्यार से बाबूराम जी को अपने घर लेकर आई। मंजू के घर पहुँचते ही उसके बच्चे ने अपने नाना जी का स्वागत बड़े ही प्यार से किया। मंजू के 2 लड़के थे। बाबूराम जी के घर पहुँचते ही दोनों भाई उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। मंजू ने भी बाबूराम जी को एक अलग से कमरा दिया और उस कमरे में भी उनकी पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखा गया। उनकी ज़रूरत एक एक सामान उस कमरे में व्यवस्थित किया गया। वह कमरा भी अटैच बाथरूम वाला था। बाबूराम सब कुछ उसी तरह से उन सभी चीज़ों को इंतजामों को देखकर जिस तरह से रीमा के घर में उन्हें दिखाया गया था कुछ हैरान थे। बाबूराम जी उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए बाबूराम जी ने ना चाहते हुए मंजू से उस कमरे का किराया पूछा। बाबूराम जी ने मंजू से बड़े ही दबे सुर में कहा कि मुझे पहले ही बता देना कि बेटा खाने पीने और इस कमरे का खर्च कितना आएगा, जिससे बाद में किसी को कोई तकलीफ ना हो। मंजू ने बाबूराम जी को हैरानी से कहा, पापा आप यह कैसी बात कर रहे हैं, क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूँगी? आप मेरे पापा हो, कोई गैर नहीं, आप यहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ रहेंगे, अपना घर समझ कर रहिए। मंजू ने कहा, पापा आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ, मैं तो क्या कोई भी बेटी अपने माँ बाप से उनके खाने पीने और रहने का पैसा नहीं लेगी। उसकी इस बात को सुनकर बाबूराम जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने मंजू से मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही बेटी ने किया है। मंजू को कुछ समझ नहीं आया, उसने बाबूराम जी से साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहा। बाबूराम जी के साथ जो भी कुछ रीमा के घर पर हुआ बाबूराम जी ने सब कुछ वह सब बातें एक एक करके मंजू को बताई कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ वहां पर किया जाता था। यह सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि वह कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी अपनी बेटी ऐसा करेगी। उनकी कही गई बातों पर मंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच समझ नहीं पा रही थी कि रीमा ऐसा कैसे कर सकती है। उसने रीमा से बात करने के बारे में सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया, पर बाबूराम जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बेकार की बातों को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा। मंजू ने उनकी बात को मान लिया और बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। अब बाबूराम जी मंजू के घर पर बड़े सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और ना ही किसी से कोई शिकायत थी। मंजू के घर पर उनकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। धीरे धीरे बाबूराम जी रीमा के घर की बताई पुरानी कड़वी बातों को मंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। मंजू ने घर पर भी उन्हें रहते हुए पूरे 2 महीने होने ही वाले थे, बस कुछ ही दिन शेष बचे थे। मंजू के घर पर बाबूराम जी का दिल बहुत अच्छे से लग गया था।
पर वहाँ से जाना उनकी मजबूरी थी क्योंकि पापा को सभी ने दो दो महीने के लिए बांटा था। मंजू के घर से जाने के दो दिन पहले ही मंजू बाबूराम जी के कमरे में आकर उनके पास बैठ गई क्योंकि वह उनके साथ समय बिताना चाहती थी। मंजू ने उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की, उनके साथ खूब सारा समय बिताया। मंजू के ऐसा करने से बाबूराम जी बहुत खुश हुए और मन ही मन बहुत खुश थे। उन्होंने मंजू को सीने से लगा लिया और उसको बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। ऐसा करते हुए उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद मंजू का पति भी उसी कमरे में आ गया जहां पर वह दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे। उसके हाथों में एक डायरी थी जो कमरे में आते ही उसने मंजू के हाथ में पकड़ा दी। मंजू ने उस डायरी को लेकर बाबूराम जी को पढ़ने के लिए दे दिया। बाबूराम जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर रमेश से पूछा कि यह किसकी डायरी है, इसमें क्या है और वह उन्हें क्यों दी गई है। मंजू ने बाबूराम जी को डायरी पढ़ने के लिए कहा। बाबूराम जी ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक एक करके उसे पढ़ने लगे तो उसे पढ़ते ही बाबूराम जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कभी डायरी को देखते और कभी मंजू और रमेश को देखते। डायरी को पढ़ते ही वह दंग रह गए। उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद और इतना प्यार करने वाली बेटी ऐसा कर सकते हैं। उस डायरी में जब से बाबूराम जी उनके घर पर रहने आए थे उस समय से अब तक का जो भी खर्चा हुआ था उस सारे खर्चे का हिसाब लिखा हुआ था उस डायरी में। एक एक पैसे का हिसाब था, उनके कमरे की सुख सुविधा, उनके कमरे की बिजली का बिल, आने जाने में पेट्रोल खर्चा, घूमने फिरने में टिकट का खर्चा और भी न जाने क्या क्या, उन सभी का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। बाबूराम जी कहाँ गए, उन्होंने कितना खर्चा किया, सब कुछ तारीख और समय के साथ लिखा गया था। यह सब देखकर बाबूराम जी के दिल पर बहुत आघात हुआ। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। वह मन ही मन सोच रहे थे कि इन सभी लड़कियों को तो मैंने घर से बिकते ही सब कुछ इनमें बांट दिया था, तो अब इन सब को बूढ़े बाप से क्या चाहिए। वह अपने आप को और अपने कर्मों को कोस रहे थे। बाबूराम जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने मंजू से कहा, मैं तो समझ रहा था कि यह प्यार और अपनापन सब इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था। यह सब बूढ़े बाप के लिए नहीं, उसके पैसों के लिए था। वह रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरी ही परवरिश में कमी रही होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे नहीं खाने पड़ते। मंजू ने बड़े ही आराम से कहा, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है पापा, जब आप रीमा को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने तो वही मांगा है जो आप पर खर्च हुआ है। जब आप रीमा का घर भर रहे थे तब तो आपको बुरा नहीं लगा, आज मैंने जरा सा कुछ क्या मांग लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है, थोड़ा बहुत आप हमें भी दे देंगे तो गरीब तो नहीं हो जाएंगे। मंजू के मुंह से यह सारी बातें सुनकर बाबूराम जी को एक झटका लगा। वह सोचने लगे कि कभी भी इसने जाहिर नहीं होने दिया कि इसके मन में इतना जहर है। बाबूराम जी आप कुछ भी समझने की परिस्थिति में नहीं रह गए थे। मंजू ने बाबूराम जी से कहा, मुझे पता है पापा आपने कब कब और क्या क्या रीमा को दिया है, उसके बच्चों की कॉलेज की फीस, उन्हें नई मोटरसाइकिल, रीमा को सोने की अंगूठी बनवा कर दी, मुझे देने में क्या परेशानी है। बाबूराम जी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे दोनों बहनों ने मिलकर बाप को लूटने की साजिश रची है। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि कैसे लूटा जा सकता है।
बाबूराम जी अब अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो चुके थे। उनके मन पर एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे। यह सब बातें बोलकर और बाबूराम जी के हाथ में चेक पकड़ाकर मंजू और रमेश कमरे से बाहर चले गए। बाबूराम जी को आज अपनी पत्नी शांति की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहे थे कि काश तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन सभी की बातों में आकर मैंने बरसों पुराना घर बेच दिया। अब बाबूराम जी का मन सभी बच्चों से हट गया था। वह किसी के पास नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वह समझ गए थे कि किसी को भी उनकी ज़रूरत नहीं है, सभी को मेरी हर महीने की आ रही पेंशन चाहिए, सभी को उनके पैसे दिखाई दे रहे हैं, सभी की आपस में होड़ है कि कौन किससे ज़्यादा हड़प ले। उनका यह बूढ़ा बाप जिए या मरे उनसे किसी को कोई मतलब नहीं। वह सोच रहे थे कि रीमा के घर धोखा खाने के बावजूद मैंने मंजू के लिए अपनेपन और प्यार की वजह से उन्हें माफ़ कर दिया था। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं है, या तो किसी दबाव में आकर उसे वह सब कुछ किया होगा, या आज मंजू ने तो उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। उसने दिखावे का नकाब पहनकर उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया जहां से ना तो निगलते बने और ना ही उगलते बने। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि अब वह क्या करें, कहां जाएं। सोचने लगे कि यह जीवन किसी काम का नहीं है, उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। वह आज बहुत ही दुखी थे। वह सारी बातें अपने मन में सोचे जा रहे थे। तब बाबूराम जी को मंजू के घर रहते हुए 2 महीने पूरे हो गए थे। उसने अपनी छोटी बहन निधि को बाबूराम जी को अपने साथ ले जाने के लिए फ़ोन कर दिया था। मंजू के फ़ोन करते ही निधि और उसके पति दूसरे दिन ही सुबह सुबह बाबूराम जी को लेने के लिए घर आ गए। बाबूराम जी अब निधि के घर नहीं जाना चाहते थे, पर चाहते हुए भी वह ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास रहने का दूसरा कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने बेमन से निधि के साथ जाने के लिए हामी भर दी। वह अब अच्छे से जानते थे कि क्या होने वाला है। बाबूराम जी को पूरी तरीके से पता था कि इसे भी मुझ बाप से कोई मतलब नहीं है, बाप के नाम आ रही हर महीने की पेंशन की ज़रूरत है। उन सब बेटियों के लिए बाप उनकी साइड इनकम था जिसे बस जरा से दिखावे से ही कमाया जा सकता था। यह सारी बातें बाबूराम जी के दिमाग में चल रही थी। वह सब कुछ जानकर भी वह कुछ करने के लायक नहीं थे। निधि के घर रहने के लिए वह अपना सामान लेकर तैयार हो गए। निधि गांव में रहती थी, वह लोग कुछ घंटों का सफ़र तय करके घर पहुंच गए। बाबूराम जी के मन में सोचा कि चलो एक बार फिर से अपने आप को लुटाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के घर की तरह ही निधि के घर में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इस घर में भी बाबूराम जी को अटैच बाथरूम वाला कमरा दिया गया सभी सुविधाओं के साथ। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा दी गई थी, यहाँ पर उनको एक नौकर भी दिया गया था। मोहन को बाबूराम जी की सेवा के लिए रखा गया था। हालांकि बाबूराम जी यह भली भांति जानते थे कि उनकी तनख्वाह उन्हीं से वसूली जाएगी, पर सब कुछ जानते हुए भी उन्हें यह तसल्ली थी कि कम से कम उनसे बात करने के लिए कोई तो उनके पास होगा। बाबूराम जी ने अपना मन मार कर वहाँ पर रहना स्वीकार कर लिया था। बाबूराम जी के कुछ दिन तो निधि के घर अच्छे से गुजरे, परंतु धीरे धीरे सभी के चेहरे सामने आने लगे। शुरू शुरू में तो मोहन उनके साथ ही रहता, उनसे बातें करता। उसके बाद में कभी कभार वह घर से बाहर सैर करने के लिए जाते तो मोहन उनके साथ ही रहता। बाबूराम जी भी मोहन को अपना अच्छा साथी मानने लगे थे। उन्हें लगता था कि कम से कम वह इस घर में उसके साथ तो अपने दुख साझा कर सकते हैं। पर निधि और उसके पति द्वारा धीरे धीरे मोहन को भी बाबूराम जी से अलग कर दिया गया। वह बाबूराम जी के साथ कम
और उनके घर के काम ज़्यादा किया करता था। बाबूराम जी के पास तो वह सिर्फ नाम के लिए ही दिखाई देता था। वैसे भी बाबूराम जी यह तो पहले से ही जानते थे कि उनके यहाँ पर रहते हुए ऐसा दिन आएगा, पर फिर भी उन्होंने यही सोचा था कि जितने दिन अच्छे से निकल जाएंगे वही अच्छा है। कुछ दिन गुजरने के बाद बाबूराम जी ने मोहन को अपने पास कमरे में आने को कहा। मोहन उनके बुलाने से उनके पास आया तो मोहन के कमरे में आते ही बाबूराम जी ने मोहन से पूछा कि क्या बात है, अब तो तुम बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आते। बाबूराम जी को इतने दिन साथ में बिताने के कारण मोहन से लगाव हो गया था। वह तो उसके साथ अपने सारे सुख दुख बांटने लगे थे, पर मोहन के इस व्यवहार के कारण वह निराश हो गए थे। यह कहते हुए बाबूराम जी की आंखों में आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वैसे भी उनसे कोई पहले ही ज़्यादा बात नहीं करता था। कम से कम मोहन था उनके पास जिससे वह बात कर लेते थे, पर उसने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था। वह उसके इस तरह से किए गए व्यवहार के बारे में जानना चाहते थे। उनके इस प्यार और उनकी उदासी को देखते हुए मोहन ने बाबूराम जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे निधि और उसके पति ने सिर्फ उनके नाम का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने काम करने के लिए रखा था। उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था कि उस बूढ़े आदमी के साथ बस कुछ दिन बिताने हैं, उसके बाद तुम वही काम करोगे जो हम बताएंगे। मोहन की बातों को सुनकर बाबूराम जी को बहुत दुख हुआ। उसके बावजूद भी काम वह उन लोगों के करता था और तनख्वाह बाबूराम जी ही देते थे। बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोचने लगे कि यह कैसी बेटियां हैं जिन्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं है, जबकि सभी को पता है कि बाप ने उनके घर सिर्फ 2 महीने ही गुजारने हैं, उसके बाद तो वहां आना नहीं जब तक दोबारा नंबर नहीं आ जाता। इस बूढ़े बाप का क्या पता दोबारा नंबर आए भी या ना आए, 2 महीने तक अच्छे से नहीं रख सकती। वह सोच रहे थे कि किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप बच्चों को एक कमरे में ही बड़े अच्छे से पाल लेते हैं और यह सब बच्चे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। बाबूराम जी के कमरे में बैठे हुए यही सब बातें सोच रहे थे कि इतने में निधि कमरे में आई और उसने बाबूराम जी को तैयार होने के लिए कहा। बाबूराम जी ने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है, पर वह कुछ नहीं बोली और कमरे से चली गई। बाबूराम जी थोड़ी देर तक तो सोचते रहे कि पता नहीं कहाँ जाना है, पर कुछ सोच कर तैयार हो गए। सभी लोग एक कार शोरूम में गए। शोरूम के अंदर जाते जाते निधि ने ही बाबूराम जी को बताया कि हम लोग यहाँ पर एक कार खरीदने के लिए आए हैं। बाबूराम जी और सभी अंदर जाकर कार पसंद करने लगे। निधि के पति और उसका बेटा कार पसंद कर रहे थे कि तभी निधि ने बाबूराम जी से आकर कार के पैसे देने को कहा। बाबूराम जी उसकी बात को समझ ही नहीं पाए कि वह क्या कह रही हैं। बाबूराम जी उसे हैरानी से देखने लगे। निधि ने बाबूराम जी को बोला कि पापा यह कार तो आप ही हमें गिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप हमें कार तक नहीं लेकर दे सकते। बाबूराम जी उस शोरूम के अंदर कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले शोरूम से बाहर चले गए। बाबूराम जी के बाहर आते ही निधि भी उनके पीछे पीछे बाहर उनके पास आ जाती है और उन्हें तरह तरह के बहाने देकर उनसे कार के लिए चेक पर साइन करवा लेती है। बाबूराम जी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। निधि तो अपनी दूसरी बहनों से भी कहीं ज़्यादा चालाक निकलती है। वह तो बाबूराम जी को बातों में फंसाकर कार गिफ्ट करवा लेती है। जब यह बात दूसरी बहनों को पता चलती है कि निधि ने तो सीधा कार ही ले ली है, तो सभी अपने अपने तरीके से सोचने लगती हैं, क्योंकि सभी को अपने हिस्से में दूसरे से ज़्यादा चाहिए था।
अब तक बाबूराम जी बहुत परेशान हो गए थे। वह रोज रोज के दिखावे और अपने ही बाप के साथ की गई चालबाजियों से बहुत ज्यादा ऊब चुके थे। वह अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे जहां पर वह अपने जीवन के बचे हुए कुछ पल और अपना बुढ़ापा आराम के साथ गुजार सकें, जहां पर किसी का चिक चिक ना हो और ना ही किसी की कोई चालबाजी हो और ना ही कोई उन्हें परेशान करने वाला हो। उन्होंने अपना आगरा का बरसों पुराना घर खुश रहने के लिए बेचा था, पर वह तो पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। उनके इस अकेलेपन और उदासी से उनके किसी भी बेटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह सब तो बस इसी में लगे हुए थे कि कैसे इनसे और पैसा लूट सकें। बाबूराम जी के एक बहुत पुराने दोस्त थे। बाबूराम जी उन्हें अपनी सारी तकलीफों के बारे में फ़ोन पर बातचीत करके बताया। तभी उनके दोस्त ने उन्हें वृद्धाश्रम रहने की सलाह दी कि वहाँ पर तुम्हारे दिन सुकून से तो जाएंगे। बाबूराम जी को अपने दोस्त के वृद्धाश्रम जाने वाली बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं भी किसी के बारे में क्यों सोचूं? बाबूराम जी ने सोचा कि जिसकी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, जिसकी जैसे भी चलती है चलने दो, कम से कम बुढ़ापे में बचे दिन तो मेरे सही से गुजरेंगे। वृद्धाश्रम में मेरे जैसा ना जाने कितने लोग मुझे मिलेंगे, सुख दुख बांटने वाला कोई तो होगा। बाबूराम जी ने सभी की तरफ से मोह तोड़ दिया था, ना ही अपनी बेटियों से और ना ही उनके बच्चों से कुछ जुड़ाव रह गया था। उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया था। वह आश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे। वह अपने बड़े भाई दयाराम जी से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करते थे, इसलिए वह वृद्धाश्रम जाने वाली बात दयाराम जी को बताना चाहते थे। बाबूराम जी की पत्नी और उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनती थी, इसी वजह से वह दोनों भाई आपस में ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इन दोनों भाइयों के ना मिलने से आपस में दोनों में जरा भी प्यार कम हुआ हो। बाबूराम जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो जाते हैं। वह उन दिनों की बातें याद करने लगते हैं कि कैसे वह उनके बड़े भाई दयाराम जी के एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे, परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ही रोज़ रोज़ की कला से बचने के लिए अलग अलग रहना ही ठीक समझ लिया था, जिससे दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने बड़े भाई को याद करते हुए बाबूराम जी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते थे। वह अपनी आंखों में बहते हुए आंसुओं को पोंछकर अपने भाई से बात करने के लिए फ़ोन लगाते हैं। जैसे ही उनके बड़े भाई दयाराम जी को उनके फ़ोन आने की खबर का पता चलता है तो वह इस बात से खुश होकर बहुत फूले ही नहीं समाते। उनके लिए वह पल बहुत ही खुशी का पल बन जाता है। दोनों भाइयों का आपस में बात होती है, बात करते हुए दोनों भाइयों के गले भर जाते हैं। दोनों भाई जल्द ही जल्द मिलकर आपस में गले मिलकर रोना चाहते हैं। बाबूराम जी के फ़ोन करते ही दयाराम जी बिना कुछ जाने समझे उन्हें अपने घर मिलने के लिए बुला लेते हैं। उनकी यह बात सुनते ही बाबूराम जी के गले में रुकी हुई सिसकी जोर से आंसुओं के सुर में तब्दील हो जाती हैं। बाबूराम जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और अपने भाई से मिलने के लिए आतुर होते हैं। फ़ोन पर उनसे दो दिन बाद मिलने आने का तय कर लेते हैं। दयाराम जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ ग्वालियर शहर में रहते थे। वह अपनी पत्नी, अपने दो बेटे, दो बेटियां, सभी लोग एक संयुक्त परिवार में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। बाबूराम जी के दो दिन बाद ग्वालियर आकर मिलने की बात वह अपने घर में सभी को बताते हैं। उनके घर पर भी सभी इस बात को सुनकर बाबूराम जी से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं।
उनके आने की तैयारियां होने लगती हैं। बाबूराम जी के आज आने का दिन है। उनके आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उनके रहने के लिए कमरा तैयार किया जाता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके स्वागत में लग जाते हैं। बच्चे भी अपने छोटे दादाजी से मिलने को बेताब हैं, क्योंकि उनके बचपन में उनके छोटे दादाजी बहुत सारी चॉकलेट झुला कर दिया करते थे। बाबूराम जी की गाड़ी आने का समय हो जाता है और वह कुछ ही देर में अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पर पहुंचते ही उनका बहुत ही सम्मान से स्वागत किया जाता है। सभी लोग उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। दोनों बहुएं, दोनों बेटे और उनके बच्चे उन्हें यह एहसास ही नहीं होने देते कि वह सभी लोगों में कई सालों बाद मिल रहे हैं। बाबूराम जी भी उनके प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो जाते हैं। बाबूराम जी को उनके इस प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद ही नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से वह सभी से अलग हुए थे और इतने सालों में उन्होंने इन सब से कोई वास्ता ही नहीं रखा था। कभी बस एक दो बार फोन पर ही बात हुई थी, कभी बच्चों की शादी होने तक का व्यवहार निभाया था। बाबूराम जी की पत्नी शांति के स्वर्गवास पर उनका आना हुआ था। बाबूराम जी को अपने बड़े भाई के घर आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे। उन्होंने अपने वापस जाने की बात करी। उनके वापस जाने वाली बात को सुनकर सभी लोगों ने उन्हें कुछ दिन उन सभी के साथ रहने की कसम दी, क्योंकि वह सभी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। वैसे भी वह उन सब से कई सालों के बाद मिले थे। बाबूराम जी किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह अपने जाने की बात कर रहे थे। अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वह कुछ दिन उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। एक साथ मिलकर सब बहुत अच्छा समय बिताते हैं। रात होते ही वह दोनों एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं। तभी बाबूराम जी से उनके भाई उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। तो बाबूराम जी उनकी यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह अपने मन में सोचते हैं कि उन्होंने तो कोई बात भी किसी को नहीं बताई, तो इन्हें कैसे मालूम है कि वह दुखी और उदास हैं, और इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। बाबूराम जी अपनी सोच में ही खो जाते हैं। दयाराम जी उन्हें आवाज़ लगाते हुए अपने हाथ से उन्हें हिलाते हैं। उनके ऐसा करते ही बाबूराम जी की चेतना लौट आती है और वह बाबूराम जी को अपने भाई से पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ। उनके पूछते ही दयाराम जी बोले कि अगर सब कुछ सही होता तो यूँ बूढ़े बाप को कोई भी अकेले इतनी दूर सफ़र के लिए नहीं भेज देता। उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे अकेला देखकर ही समझ गया था कि कोई बात है, और बाकी बचा हुआ तेरा चेहरा बता रहा है। तभी बाबूराम जी अपने भाई को अपने ऊपर बीत रही सारी परेशानियों को बताना शुरू करते हैं कि कैसे उनकी सारी बेटियों को उनकी नहीं बल्कि उनके पैसों की आवश्यकता है। बाबूराम जी अपनी एक एक लड़की के द्वारा किए गए एक एक गलत व्यवहार के बारे में विस्तार पूर्वक अपने भाई को और भाभी को बताते हैं। यह सब बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। दयाराम जी और उनकी पत्नी को उनकी बताई गई बात पर विश्वास कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। वह यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे उनकी अपनी ही बेटियों ने उनके साथ अपने ही बाप के साथ ऐसा कर सकती हैं। उनका यह सोचना लाजमी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी के इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा था या सुना था, पर लड़कियों द्वारा इस तरह से व्यवहार करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकती। बाबूराम जी ने साथ ही अपने वृद्धाश्रम में रहने की बात उन लोगों से बताई। बाबूराम जी के वृद्धाश्रम में रहने की बात सुनते ही दयाराम जी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए
और दयाराम जी अपने भाई को गले लगाते हुए कहने लगे कि मैं अभी मरा नहीं हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जाना पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि अब से तुम मेरे साथ रहोगे। बाबूराम जी ने उनकी बात को सुनकर कहा कि नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, क्या कभी तुम मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? बाबूराम जी को अपने भाई की इस बात को सुनकर थोड़ा तसल्ली तो हुई, पर वह मन में यह सोचने लगे कि शायद उन्होंने प्यार में ये बातें उनसे कही है। दूसरे दिन बाबूराम जी की कही गई सारी बातों को दयाराम जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को बताया। उस समय बाबूराम जी अपने कामों में व्यस्त थे। जब दयाराम जी सभी को अपने परिवार को उनके बारे में बता रहे थे, दयाराम जी सारी यह बातें उनकी गैर हाजिरी में ही करना चाहते थे, जिससे बाबूराम जी को अपमान महसूस ना हो। घर के सभी लोगों ने दयाराम जी की सारी बातों को सुनकर बाबूराम जी को खुशी खुशी अपनाने की बात की। सभी की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे और यह सारी बातें वह बिना स्वार्थ के कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में किसी को भी नहीं पता था कि उनकी कितनी पेंशन है या उनका क्या बैंक बैलेंस है या उनके बुढ़ापे का क्या सहारा है। यह सब बाबूराम जी को अपनाना चाहते थे, ना कि उनके हर महीने की आती पेंशन को। दयाराम जी की कही गई सारी बातों को उनके परिवार ने बिना किसी भी आपत्ति जाहिर किए मान लिया था, इसलिए दयाराम जी को आज अपनी परवरिश दिए गए संस्कारों और अपने बच्चों पर गर्व हो रहा था कि कैसे उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी ने उनकी बात का समर्थन किया, और साथ ही साथ उनकी बहू ने भी बाबूराम जी को अपनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उनके बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने तो उन्हें रहने के लिए अपना कमरा तक दे दिया। बाबूराम जी के बड़े भाई दयाराम जी बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं थे, वह सब खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आम आदमी की तरह दयाराम जी के घर में सिर्फ इतनी जगह थी कि उनमें सभी के पास अपना अपना एक कमरा था। घर इतना बड़ा नहीं था कि बाबूराम जी को एक अलग से कमरा दिया जा सके, इसी वजह से दयाराम जी के बड़े बेटे ने अपना कमरा उन्हें देने के लिए कहा, जिससे बाबूराम जी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जैसे ही यह बात बाबूराम जी को पता चली, उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया और अपने बड़े भाई के साथ ही उनके कमरे में एक चारपाई पर सोना उचित समझा। बाबूराम जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, ना कि किसी बड़े से कमरे की। इस घर में ना कोई अलग से बड़ा कमरा था और न ही कमरे में अटैच बाथरूम की सुविधा थी। जो था जैसा था सब बाबूराम जी के सामने था, पर बाबूराम जी के लिए इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। इज्जत और सम्मान के साथ साथ सभी और बच्चों में सभी के प्रति प्यार था, वह भी सब बिना किसी स्वार्थ के। दयाराम जी के घर बाबूराम जी को बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था। जब भी कोई कहीं भी बाहर जाता तो हमेशा उनसे पूछा जाता कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। बाबूराम जी को भी अब इन सभी के अपनेपन और प्यार की आदत होती जा रही थी। उनका मन सबको कहीं भी छोड़कर जाने का नहीं करता था। बाबूराम जी को हमेशा वह डर सताया करता था कि आखिर या कब तक अपने भाई के घर में रहेंगे, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर तसल्ली करते थे कि जितने भी दिन यहाँ पर हैं खुश होकर अपने दिन रात बिताएं। दयाराम जी के घर सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर कभी भी किसी ने भी उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी होने भी नहीं दी। सभी लोग चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। दयाराम जी के घर पैसों की कमी होने के बावजूद कभी भी किसी ने भी बाबूराम जी को एक भी पैसा खर्च नहीं करने दिया। बाबूराम जी
जब भी पैसे देने की बात करते, घर में सभी लोग उनसे नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि सभी लोगों के लिए वह उनके घर का ही एक हिस्सा थे। अब बाबूराम जी को अपने भाई के घर रहते हुए पूरे कई महीने हो गए थे और किसी ने भी अभी तक उनसे कोई पैसा खर्च नहीं करवाया था, ना ही कभी कोई उम्मीद जताई थी। इस घर में उन्हें पूरा मान सम्मान मिल रहा था, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि इस जगह अभी मेरे बच्चे होते तो कब का मुझे नोच कर खा गए होते। बाबूराम जी की लड़कियां उन्हें ले जाने के लिए फ़ोन करती हैं, लेकिन बाबूराम जी को अच्छे से मालूम है कि उन्हें अपने बाप की याद नहीं सता रही है, उन्हें तो अपनी साइड इनकम की याद आ रही है जो बिना कुछ किए उन सबको मिल रही थी। बाबूराम जी यह सारी बातें बैठे बैठे सोच रहे थे। यह सब बातें याद करते हुए बाबूराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाबूराम जी के कमरे में बैठे हुए यही सब बातें सोच रहे थे कि इतने में दयाराम जी कमरे में आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाबूराम जी तुरंत अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उन्हें छुपाना चाहते हैं, पर वह ऐसा नहीं कर पाते। दयाराम जी उन्हें रोता हुआ देखकर और वह घबराकर बाबू जी से उनके रोने का कारण पूछते हैं। बाबूराम जी उन्हें टाल देते हैं और उनसे अब उनके घर से चले जाने की बात करते हैं। बाबूराम जी के घर से जाने वाली बात और उन्हें रोता हुआ देख वह उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, घर में उन्हें कोई तकलीफ है या किसी ने कुछ कह दिया है या किसी की कही गई कोई बात बुरी लगी है। बाबूराम जी अपने भाई को बीच में ही रुकते हुए कहते हैं कि आप यहाँ कैसी बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर सभी लोगों से बहुत प्यार और खुशी मिली है जिसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। समय पर खाना, वह भी सबके साथ मिलजुल कर खाना, समय पर दवा और भी ना जाने क्या क्या, और तो और इस बात का ख्याल तो मैं कब से अपने मन से निकाल चुका था कि कोई अपनी ज़िंदगी के फैसलों में मेरी राय लेगा, पर मुझे इस घर में वह सम्मान भी मिला कि मैं भी अपनी राय दूँ। यह सब मेरे लिए किसी सपने को जीने से कम नहीं है। बाबूराम जी ने बोला, मैं तो कब का अपने बच्चों के लिए किए गए व्यवहार के कारण अपनी ज़िंदगी से हार गया था, पर यहाँ पर आप सभी के साथ ने मुझ में भी जीने की उम्मीद जगाई है। अब मुझे इन सब से डर लगता है कि अगर मुझे इन सब की आदत पड़ गई तो मैं अपने बाकी के दिन कैसे काटूँगा। मैं अब और ज़्यादा आप सभी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। बाबूराम जी के यह सब कहने के बाद दयाराम जी ने कहा कि तुम अब कहीं नहीं जा रहे हो, अब हम दोनों एक साथ मरते दम तक इस घर में ही रहेंगे, तुम अब मेरे घर का हिस्सा हो। बाबूराम और दयाराम जी बस नाम अलग है, तन अलग है, पर मन एक ही है। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि तुम किसी पर बोझ हो और तुम्हारे कारण इस घर का खर्चा बढ़ रहा है तो इस घर से तुम नहीं, मैं जाऊंगा। दयाराम जी की यह बातें सुनते ही बाबूराम जी की आंखों से थर थर आंसू बहने लगे। वह अपने भाई से गले मिलकर रोने लगे और ऐसा करने से वह अपने आप को रोक नहीं पाए। बाबूराम जी ने अपने भाई से कहा कि जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है, जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, मेरी लड़कियाँ आज वाकई में पराई हो गई हैं, और जिनसे मैंने कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ नहीं पूछी, कभी उनके सर पर एक प्यार भरा हाथ भी नहीं फेरा, वह बच्चे और बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। बाबूराम जी बोले कि किसी ने सच ही कहा है कि आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। यह बात तो बिल्कुल सही है कि जहां एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने के लिए पीछे नहीं हटते, उन्हें अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ पैसों से प्यार है, तो वहीं पर आज लड़कियां भी ऐसी ही होती जा रही हैं, उन्हें भी माँ बाप से ज़्यादा उनकी धन दौलत से प्यार है। बाबूराम जी ने कहा कि मैं सब के बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियां तो ऐसी ही हैं जिन्हें मुझे प्यार नहीं है,
जहाँ हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुएं जिन्हें हम अपना नहीं समझते वही बहुएं सास ससुर के साथ रहती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है? सेवा हमेशा बहुएं ही करती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी मैं किसी की बात नहीं करता, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। बाबूराम जी बोले कि यह दोनों ही बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं कि आज के समय में लड़का लड़की और बहू बेटी सब हर किसी चीज़ में एक समान हैं। वह चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या धन दौलत के हिस्से करना हो। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो वहाँ एक तरफ लड़कियाँ भी बुरी हैं। जहाँ बहुएँ बुरी हैं तो वहाँ दामाद भी बुरे हैं। वाकई सब कुछ एक समान है। आज बाबूराम जी हमारी इस दुनिया में नहीं है, वह मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें कभी भी किसी ने भी कहीं नहीं जाने दिया, ना ही उनके किसी बेटी के घर और ना ही वृद्धाश्रम में। पर कहते हैं कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, बस वहाँ पर जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। बाबूराम जी अपने बुढ़ापे के दिन दयाराम जी और उनके परिवार के साथ बड़े ही प्यार और खुशी से बिताएं। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वे दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न लोग हैं। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो समझो ईश्वर खुश है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती है उस घर में बरकत नहीं होती है। माता पिता की उंगली थाम के चलना सीखा और उनकी मेहनत से पले आज हम जो भी कुछ हैं हमारे माता पिता की वजह से ही हैं। माँ बाप के त्याग और बलिदान का कर्ज हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। इस दुनिया में माँ की ममता का कोई मोल नहीं और पिता की मोहब्बत का कोई तोड़ नहीं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन आज माँ बाप की अहमियत कम होती जा रही है। जिस बेटे की लाइफ बनाने में माता पिता की ज़िंदगी गुजर जाती है, आज उसी बेटे के लिए शादी के बाद माँ बाप पराए हो जाते हैं। क्या आप भी उनमें से हैं जो माँ बाप के त्याग और बलिदान को भूल रहे हैं? कुछ लाइन माता पिता के लिए। इज्जत भी मिलेगी तुम्हें, दौलत भी मिलेगी, खिदमत करो माँ बाप की तो जन्नत भी मिलेगी। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग अपने माँ बाप का प्यार क्यों भूल जाते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। पता नहीं क्या जादू है, मेरी माँ के पैरों में जितना झुकता हूँ उतना ही ऊपर उठता चला जाता हूँ। अपने माँ बाप को कभी मत रुलाओ, उनके सपनों को कभी मत सुनाओ। जितना तुम अपने माता पिता को खुश रखोगे उतना ही रब आपको खुश रखेगा। माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, तो है नाराज़ तो खुश मुझसे खुदा भी क्या होगा। इस दुनिया में केवल माँ बाप ही आपसे बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं। ना जाने कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए अपने घर में जगह बना लेते हैं वो लोग जिनके घर में माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं होती है। जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती थी। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। मुझे किसी और जन्नत का पता नहीं क्योंकि मैं माँ के कदमों को ही जन्नत कहती हूँ। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म कर्म आंसुओं में बह जाएगा। माँ और बाप ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। एक अच्छी माँ तो हर बेटे के पास होती है,
लेकिन एक अच्छा बेटा हर माँ के पास नहीं होता। ईश्वर ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, लेकिन माँ बाप दिखाई देने वाले ईश्वर हैं। नफरत है मुझे हर उस इंसान से जो छोटी छोटी बात में अपनी माँ की कसम खाकर उसे दांव पे लगा देते हैं। कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। जिंदगी में जादू बहुत देखे हैं, पर यकीन मानिए बीमार होने पर माँ का नज़र उतारने वाला जादू सबसे ज़्यादा देखा है। किसी ने कहा कि अच्छे कर्म करने से मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और मैं कहती हूँ कि माँ की सेवा करोगे तो जीते जी जन्नत मिलेगी। तूने जब धरती पर सांस ली, तेरे माँ बाप तेरे साथ थे। माता पिता जब अंतिम सांस लेंगे तो भी उनके साथ रहना। माँ बाप की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को मत रुलाना, आंसू की एक बूंद पूरी धरती डुबा देगी। जिंदगी में ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बेघर ना हो। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में ईश्वर बसते हैं। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको, दर्द कभी मत देना उन हंसियों को, ईश्वर ने माँ बाप बनाया जिनको। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे हैं, आप कभी बड़े नहीं होते हैं और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालेगी ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआ में असर बहुत है। माँ रोती थी जब रोटी नहीं खाता था, बेटा माँ आज भी रोती है जब तू रोटी नहीं देता। गुलामी तो हम सिर्फ अपने माँ बाप की करते हैं, वरना दुनिया के लिए तो हम कल भी बादशाह थे और आज भी बादशाह हैं। जिस माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया आज हम उसे ही चुप करा देते हैं। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा के जो गिर जाए एक बार डाली से फूल, ये ऐसे फूल हैं जो खिला नहीं करते। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। किसी भी मुश्किल का अब हल नहीं मिलता, शायद अब घर से कोई माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं, चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ कर हजार, मगर माँ बाप को ठुकराया तो सब है बेकार। रिश्ते निभाकर ये जान लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। माँ बाप हमें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में हम उन्हें बादशाहों की तरह रखें। माँ बाप की तकलीफ़ों को कभी नज़रअंदाज मत करना, जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज़ा लगाना असंभव है। लोग माता पिता की नसीहत तो भूल जाते हैं, लेकिन वसीयत नहीं भूलते। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। किसी ने माँ के कंधे पर सर रख के पूछा कि माँ कब तक अपने कंधों पर सोने दोगी। माँ बोली, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर ना उठा लें। कुछ ना पा सके तो क्या कम है, माँ बाप को पाया ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में वो क्या किसी जन्नत से कम है। एक रोटी के चार टुकड़े हों और खाने वाले पांच, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली सिर्फ माँ होती है। हर बात को तुम भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। एक हस्ती है जो जान है मेरी, जो आन से बढ़कर मान है मेरी। खुदा हुक्म दे तो कर दूँ सजदा उसे, क्योंकि वो कोई और नहीं माँ है मेरी। धरती पर ईश्वर की तलाश है, मालिक तेरा बंदा कितना निराश है। क्यों खोजता है इंसान ईश्वर को, जबकि तेरे दूसरे रूप में माँ बाप उनके इतने ही पास हैं। अपनी जुबान की ताकत उन माँ बाप पर कभी मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है।
ईश्वर से भी माँ बाप बड़े होते हैं, क्योंकि ईश्वर सुख और दुख दोनों देता है, लेकिन माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं। मुश्किल राहों में जो आसान सफर लगता है, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का असर लगता है। ये मेरे बाप ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है, लेकिन नसीब से नहीं। बचपन में लड़ते थे, माँ मेरी है। जब बड़े हुए तो आपस में लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। बूढ़े माँ बाप की आंखें घर में वैभव देखकर नहीं, पारिवारिक एकता देखकर खुश होती हैं। जब माँ छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तो कोई मशवरा देने वाला नहीं होता। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो बाप है, और जो रुला के खुद भी रोए वो माँ है। बचपन में लगी चोट और माँ की हल्की हल्की फूंक और कहना कि अब ठीक हो जाएगा, वाकई में अब तक कोई मरहम वैसा नहीं बना है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नियामत है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा दिलाने वाला कोई नहीं होता, और बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। बूढ़े माँ बाप की दवाई की पर्ची खो जाती है, लेकिन बेटा वसीयत को बहुत संभाल के रखता है। माँ बाप के हाथ का खाना और चांटा दोनों ही बड़े लाजवाब थे, कितने भी खा लो पेट नहीं भरता था। माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में। हर रिश्ते में मिलावट दिखी, कच्चे रंगों की सजावट दिखी। सालों साल से देखा है माँ को, ना उसके चेहरे पर थकावट दिखी, ना ममता में कोई गिरावट दिखी। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सब उंगलियों से, ना जाने कौन सी उंगली पकड़ के माँ ने मुझे चलना सिखाया। जीवन के अंधेरे पथ में सूरज बनकर रोशनी करने वाले माँ बाप की जिंदगी में अंधकार मत फैलाना। माना थककर आंखें उसकी बंद होती हैं, पर माँ सोती ही है तो फिक्रमंद होती हैं। जन्नत का हर लम्हा दीदा किया था, जब गोद में उठाकर माँ ने प्यार किया था। उस माँ के साथ अकड़ के मत चलना, जिसने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया। बस इतनी सी दुआ है रब से, जिन लम्हों में मेरे माँ बाप मुस्करा रहे हों वो लम्हे कभी ख़त्म ना हों। इस तरह मेरे गुनाहों को धोती है माँ, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है माँ। ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मेरे माँ बाप हैं, इनको कभी मुझसे जुदा ना करना। दास्तान मेरे लाड़ प्यार की बा एक दस्ती के इर्द गिर्द घूमती हैं। प्यार जन्नत से इसलिए है मुझे, क्योंकि यही मेरी माँ के कदम चूमती हैं। आंखें खोलूँ तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें बंद करूँ तो सपना मेरी माँ का हो, मैं मर भी जाऊँ तो कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। हालातों के आगे जब साथ ना जुबान होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। मत कहिए कि मेरे साथ रहती है माँ, कहिए कि माँ के साथ रहता हूँ मैं। सेवा करूँ तो तन संवर जाए, हर बात अच्छी है माँ बाप की, अमल करूँ तो जीवन संवर जाए। अब आप जिंदगी के वो सितारे हैं, जिनकी दुआ की रोशनी के आगे कोई दुख टिक नहीं पाता। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, उनसे गलत फैसले हो भी जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है। उनसे कभी खफा मत होना, प्यार तो सिर्फ माँ बाप करते हैं, लोग तो सिर्फ बातें करते हैं। आज लोग प्यार का मतलब सिर्फ एक लड़की और लड़के के बीच के प्यार को समझते हैं। लोग भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य को पहला निस्वार्थ और सच्चा प्यार सिर्फ अपने माँ बाप से मिला है। माँ बाप ने हमें ज़िंदगी देने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए माँ बाप को हमेशा प्यार करें, उनकी सेवा करें। माँ बाप की सेवा करना मतलब अल्लाह को राजी करना, भगवान को मनाना। आज हम बड़े हो गए हैं तो हमारा हक बनता है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनसे सलाह लें, उनका सम्मान करें और अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाएं। माँ बाप की दुआ आपको मिल गई, समझो आपकी ज़िंदगी संवर गई। माँ बाप को आखिरी सांस तक खुश रखें और उन्हें हर वो खुशियाँ दें जो अपनी ज़िंदगी में वो ना पा सके हों। उनके हर सपने को पूरा करें। सभी पेरेंट्स के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।